Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Exercise 7.3, question number 7. Question number 7 mein kaha gaya hai ki show that the midpoint of hypotenuse of right angle triangle is equidistant from its vertices. Matlab ke ek triangle hai, theek hai, right angle triangle hai, aur uske hypotenuse pe jo midpoint banta hai, humne ye show karna hai ki wo midpoint jo hai, wo midpoint हर एक वर्टेक्स से मतलब कि तीनों वर्टिसेस जो हैं ट्रायंगल के उनसे इक्विडिस्टेंस है ठीक है फ्रॉम इट्स ऑल वर्टिसेस अच्छा तो हम खुद से एक ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं पहले तो एक्स वाई प्लेन में बना लेता हूं ये एक्स वाई प्लेन है ठीक है तो ये ओरिजिन हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0 और यहां पर हम b पॉइंट ले लेते हैं ठीक है ये b पॉइंट और यहां पर c पॉइंट ले लेते हैं ये हो गया b पॉइंट ये हो गया c पॉइंट सही है तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं 0, स्मॉल b ठीक है इसी तरह से c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं 0, स्मॉल c 0 तो x कोऑर्डिनेट तो 0 बल्कि c, 0 बनेगा यहां पर क्योंकि यहां पर x कोऑर्डिनेट यहां पर होगा इस पॉइंट का ठीक है c उसको कह देते हैं और साथ में y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा इस पॉइंट का इसी तरह से यहां पर इस पॉइंट को b पॉइंट को अगर देखें इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा इसलिए मैंने इसको 0 रखा और b कोऑर्डिनेट का कोई ना कोई वैल्यू होगी उसकी हम इन जनरल हम ले लेते हैं स्मॉल b सही है तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर देते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से तो इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाती है ओबीसी या बीओसी ठीक है ये एक ट्रायंगल बन जाती है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहां पर तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है सही है क्योंकि एक्स वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है ठीक है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ये पॉजिटिव वाई है ठीक है तो यहां पर देखें तो यहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है इस वजह से ये एक ट्रायंगल जो है उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा सही है तो हमें क्वेश्चन में भी ये कहा गया कि एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे यहां पर ये जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस होना चाहिए हर एक वर्टेक्स से मतलब कि ओ से भी बी से भी और सी से भी सही है तो पहले तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट का नाम दे देते हैं लेट मिड पॉइंट जो है ये वाला मिड पॉइंट इसको हम m का नाम दे देते हैं सही है ये m हो गया m इज द मिड पॉइंट ठीक है इस पॉइंट का हो गया मिड पॉइंट अच्छा अब हम क्या करते हैं कि होना क्या चाहिए कि ये तीनों मतलब के mc और bm और om ये तीनों इक्विडिस्टेंस होनी चाहिए ये हमने शो करना है सही है मतलब कि MC इक्वल होना चाहिए MC का मैग्नीट्यूड जो है क्योंकि हम डिस्टेंस को देख रहे हैं इक्विडिस्टेंस हमने शो करना है तो उसमें मैग्नीट्यूड की बात होगी सही है तो MC शुड बी इक्वल टू होना चाहिए MB के मैग्नीट्यूड के और ये इक्वल होना चाहिए OM के ठीक है मतलब कि इस थर्ड वर्टेक्स से भी जो डिस्टेंस बनता है वो भी इक्वल होना चाहिए तीनों डिस्टेंसेस वर्टिसेस से तीनों वर्टिसेस से जो डिस्टेंसेस बनते हैं इस पॉइंट के वो इक्वल होने चाहिए ये हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है अच्छा अब हम इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं देखें m जो है वो एक मिड पॉइंट है वो हम पहले भी कह चुके हैं ठीक है किसका मिड पॉइंट है इस साइड का बीसी साइड का तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं ठीक है जो कि बनेंगे 0 प्लस c डिवाइडेड बाय 2 मतलब के c डिवाइडेड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट इसका बनेगा b प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 b प्लस 0 डिवाइडेड 2 जो कि b डिवाइडेड बाय 2 बनेगा सही है तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं अब हम पहले तो ये हमने शो करना है सही है तो उसके लिए हमें पहले ये वेक्टर्स भी फाइंड करने पड़ेंगे ठीक है mc वेक्टर mb वेक्टर और om वेक्टर तो mc वेक्टर किसके बराबर होगा mc वेक्टर इक्वल होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ c c क्योंकि हेड है यहां पर ठीक है इस वेक्टर का माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ m
सही है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या बनेगा, सी का पोजीशन वेक्टर ये पॉइंट है, इसका ओरिजिन से जो वेक्टर बनता है इसके साथ सी के साथ आई लगा दिया जाए और जीरो के साथ जे लगा दिया जाए तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बन जाता है। इसी तरह से एम के साथ वो बन जाएगा, तो हम इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या बनेगा, सी आई हैट प्लस जीरो जे हैट, सही है। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। पोजीशन वेक्टर ऑफ एम क्या है, ये एम से ओरिजिन का जो वेक्टर बनता है, ठीक है, ओरिजिन से एम तक जो वेक्टर बनता है तो ये बन जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स के साथ हम लिख देते हैं सी बाय टू आई हैट, सही है, प्लस बी बाय टू जे हैट, तो ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। अब इनको आपस में माइनस करते हैं तो ये बनेगा सी माइनस सी बाय टू और साथ में आई हैट आ जाएगा, ठीक है, तो जे हैट आपस में होंगे तो ये बनेगा जीरो माइनस बी बाय टू, जीरो माइनस बी बाय टू और साथ में जे हैट, यानी कि जे कंपोनेंट को आपस में हमने सेपरेट किया और एक्स कंपोनेंट मतलब कि आई कंपोनेंट को आपस में सेपरेट किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इनका सॉल्व करने से वो आएगा सी माइनस सी बाय टू इज सी बाय टू आई हैट और ये माइनस बी बाय टू जे हैट बन जाएगा। ये वेक्टर हमारे पास आ चुका है एम सी वेक्टर, सही है। इसी तरह से अब हम एम बी वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एम बी वेक्टर किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, सही है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है जीरो और बी, ठीक है, इसका बनेगा जीरो आई प्लस बी जे, ठीक है, जीरो आई प्लस बी जे और इसी तरह से माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है इस पॉइंट के सी बाय टू आई प्लस बी बाय टू जे, सी बाय टू आई प्लस बी बाय टू जे, ये बन गए पोजीशन वेक्टर इनके। अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एम बी वेक्टर आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस सी बाय टू आई, क्योंकि जीरो माइनस सी बाय टू इज माइनस सी बाय टू और साथ में आई हैट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्लस बी माइनस बी बाय टू जो कि बन जाएगा प्लस बी बाय टू जे हैट, तो ये बन गया हमारे पास एम बी वेक्टर। और थर्ड वेक्टर हम फाइंड करेंगे एम ओ वेक्टर, सही है, ये एम ओ वेक्टर बनेगा। एम ओ वेक्टर किस तरह से आएगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, सही है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, ओ ओरिजिन का 0.0 मतलब 0i प्लस 0j, इसके दोनों कंपोनेंट 0 होते हैं क्योंकि ये ओरिजिन का ही अपना पोजीशन वेक्टर है, तो माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ m जो कि पहले भी हम देख चुके हैं b बाय टू और c बाय टू, ठीक है, c बाय टू i प्लस b बाय टू j हैट, तो ये बनते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ m और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ मतलब ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर। अब इनको आपस में सबट्रैक्ट करते हैं तो ये बनेगा माइनस सी बाय टू आई और माइनस बी बाय टू जे, ये बन गया एम ओ पोजीशन वेक्टर, एम ओ वेक्टर, ठीक है, तीनों वेक्टर्स आ चुके हैं। अब हमें प्रूव क्या करना था कि ये तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो, इज तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तो तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अब फाइंड करके देख लेते हैं कि क्या ये इक्वल हैं या नहीं इक्वल, ठीक है। तो पहला वेक्टर क्या था, एम सी वेक्टर, एम सी वेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं, तो एम सी वेक्टर, एम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर ले लिया जाए और उनको ऐड कर दिया जाए, जिस तरह के वेक्टर्स का हम मैग्नीट्यूड पहले भी फाइंड करते आए हैं, ठीक है, उसी तरह से फाइंड करेंगे, सी बाय टू का स्क्वायर प्लस माइनस बी बाय टू का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, सही है। तो ये बन जाएगा
सी स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4 और उसका स्क्वायर रूट, तो जो कि इक्वल आ जाएगा, इनमें से कॉमन 4 आ सकता है, सही है, तो 1/2 स्क्वायर रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाता है एम सी का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से हम एम बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसके जो है कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड करके उनका स्क्वायर लेते हैं, अंडर रूट ले लिया जाएगा उनका, ठीक है। तो पहले इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब कि इसका बनेगा सी स्क्वायर बाय 2 प्लस बी स्क्वायर बाय 2, बी सी बाय 2 माइनस सी बाय 2 का स्क्वायर प्लस बी बाय 2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, ये आ गया एम बी का मैग्नीट्यूड। तो जो बनेगा सी स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4 और उसका स्क्वायर रूट, जिसको हम सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया एम बी का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से एम ओ का मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड करना है, ठीक है, थर्ड वेक्टर जो है एम ओ जो है वो हमारे पास बराबर है सी माइनस सी बाय 2 और माइनस बी बाय 2, ठीक है, माइनस सी बाय 2 का स्क्वायर और माइनस बी बाय 2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4 और उसका स्क्वायर रूट, सही है। तो अब यहां से भी इसको भी सिंपलीफाई करके हम कह सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया एम ओ का मैग्नीट्यूड। अब ये देखें, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, एम सी का जो हमने फाइंड किया मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं, और एम बी का मैग्नीट्यूड जो फाइंड किया उसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, और एम ओ का जो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया उसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। तो इन तीनों इक्वेशंस को आप देखें, इसमें राइट साइड यानी कि ये एम सी का मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है, आप एम बी का मैग्नीट्यूड भी देखें वो भी सेम है, ठीक है, और एम ओ का मैग्नीट्यूड भी देखें तो वो भी सेम है, ठीक है, मतलब कि तीनों के मैग्नीट्यूड्स की वैल्यूज जो हैं वो इक्वल आई हैं, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1, 2 and 3 तीनों इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि एम सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है एम बी के मैग्नीट्यूड के और वो इक्वल है एम ओ के मैग्नीट्यूड के, मतलब तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। तो हम प्रूव कर चुके हैं कि उस मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट एम जो है उसका डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस ओ बी और सी से इक्वल है, ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था, जो कि इस क्वेश्चन में हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, मतलब कि एक ट्रायंगल है जिसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, उसको हमने शो करना है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं वो कंकरेंट हैं, मतलब कि एक ही पॉइंट पे वो मीट करते हैं। तो हम कोई सी भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और कोई सी एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसकी तीन साइड्स होंगी, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल इसको कह देते हैं, ए बी और सी, सही है। तो ये एक ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो के पॉइंट एक पे यानी कि यहां पर एक पॉइंट होगा, सही है, तो वो इस तरह से मीट कर रहे होंगे, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसलिए मैं इसको परपेंडिकुलर थोड़ा शो कर देता हूं फिगर में भी, ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो ये बाइसेक्टर्स भी होंगे और परपेंडिकुलर भी होंगे इन तीनों साइड्स के, तो इनके भी हम नाम रख देते हैं, तो ये इसको मैं डी पॉइंट कह देता हूँ, इसको मैं ई पॉइंट कह देता हूँ और इसको एफ पॉइंट कह देता हूँ, सही है। तो अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो
तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स वो ओ पॉइंट पे मीट करते हैं, ठीक है, ये एक ओ पॉइंट है जहां पर ये मीट कर रहे हैं। तो अब ओ को हम कहते हैं कि ये एक ओरिजिन पॉइंट भी है, ठीक है, यानी कि एक्सो प्लेन का ओरिजिन पॉइंट है। तो अब देखा जाए तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनता है, बी का पोजीशन वेक्टर बी बनता है, स्मॉल बी उसे कह देंगे इसको, और सी का पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, स्मॉल सी, और ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए उसे कह देंगे, क्योंकि ये ओरिजिन है, ठीक है, तो उससे उनका पोजीशन वेक्टर हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। और साथ में देखें, अब हम कह सकते हैं कि डी पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, बी और सी का, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि डी पॉइंट से जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो हम इस पॉइंट को मिड पॉइंट भी कह सकते हैं बी सी का, और ये ई पॉइंट जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, और एफ पॉइंट जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसके अब हम कह सकते हैं कि डी पोजिशन वैक्टर्स, डी ई और एफ के पोजिशन वैक्टर्स भी हम बता सकते हैं कि क्या हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। डी का पोजीशन वेक्टर किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस, बल्कि क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसके पोजीशन वेक्टर प्लस इसका पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टू करेंगे, सही है, तो हमारे पास इसका डी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज इक्वल टू बी प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय टू, सही है। इसी तरह से हम बाकी भी कह देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा ई पॉइंट को हम ले लेते हैं, ई पॉइंट का क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई इज, ई किसका मिड पॉइंट है, ए और सी का, तो फिर ये बनेगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। तो इसी तरह से हम थर्ड यानी कि पॉइंट जो है एफ पॉइंट, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ, उसका पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होगा, एफ जो है वो ए और बी का मिड पॉइंट है, तो वो बनेगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, सही है। तो ये तीनों पोजीशन वेक्टर्स मैंने लिख दिए, सही। अब यहां से हम कह सकते हैं कि ओ डी किसके बराबर आएगा, मतलब के यहां से ये ओ डी वेक्टर किसके बराबर आएगा, ओ डी वैक्टर किसके इक्वल होगा, ओ डी वैक्टर जो है वो पोजीशन वैक्टर है डी पॉइंट का, सही है, तो वही होगा जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, सही है। तो ये बनता है बी प्लस सी डिवाइड बाय टू, जो कि ये है इसके कोऑर्डिनेट्स, इस तरह से हमने लिखे, ये लिखा पोजीशन वैक्टर ऑफ डी, ओ डी वैक्टर क्या है इज इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, पोजीशन वेक्टर हम पहले लिख चुके हैं ना, तो ओ डी भी क्या है, पोजीशन वेक्टर है डी का, सही है, तो ओ डी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और फिर साथ में ओ ई भी हम लिख सकते हैं, ओ ई इज इक्वल टू, ओ ई वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, या ये जो है ई का पोजीशन वेक्टर हम लिख चुके हैं। तो इसी तरह से ओ ई के बाद ओ एफ का भी हम लिख सकते हैं, ओ एफ इज इक्वल टू होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ है, सही है, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, ये तीनों पोजीशन वेक्टर आ गए। अब हम बी सी वेक्टर की बात करें तो क्या होगा, बी सी वेक्टर देखें, यहां से ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है, तो बी सी वेक्टर किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है, ये एक वेक्टर जो बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बनेगा, हम यहां पर लिख देते हैं सी जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो कि ये है बी, सही है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सी ए बराबर है सी ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, और फिर ए बी जो है ए बी वेक्टर वो बराबर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सही है। अब देखें हमने क्या लिए थे, ओ डी ओ ई और ओ एफ, सही है, तो हम यहां से देखें तो ओ डी क्या चीज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का, मतलब के ओ डी बी सी के परपेंडिकुलर भी होगा, सही है,
तो ओ डी इज परपेंडिकुलर टू, ओ डी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू किसके होगा, बी सी वैक्टर के, बी सी वैक्टर। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है ओ डी डॉट बी सी वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों वैक्टर जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, सही है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे आएगा, ओ डी वैक्टर हम पहले देख चुके हैं किसके बराबर है, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, सही है। तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू, इसका डॉट प्रोडक्ट किससे, बी सी वैक्टर से। बी सी वैक्टर हम वो भी पहले देख चुके हैं कि बी सी वैक्टर पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी है, ठीक है, मतलब कि सी माइनस बी, सी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम इस टू को राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास बनेगा बी प्लस सी और सी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, सही है। तो यहां से हम इसको यूं भी लिख सकते हैं सी प्लस बी, क्योंकि बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है, ठीक है, फैक्टर्स एडिशन जो है। तो इसको हम लिख सकते हैं सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये इसको देखें तो ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी क्या बनेगा, एक फार्मूला बन रहा है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हम ले लेते हैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ओ ई क्या है, ओ ई क्या चीज है, ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए सी साइड का, ठीक है, ए सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ओ ई इज परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर होगा, ए सी के, ए सी वैक्टर के। तो फिर जब दो वैक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी इक्वल टू जीरो होगा, सही है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, ओ ई वैक्टर क्या चीज है, ओ ई जो है ई का पोजिशन वैक्टर है, सही है, जो कि हम पहले देख चुके हैं जिसकी वैल्यू है ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, सही है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, ए सी के साथ, ए सी वैक्टर भी पहले हम देख चुके हैं क्या है, सी वैक्टर, सी का पोजिशन वैक्टर माइनस ए का पोजिशन वैक्टर इज इक्वल टू जीरो होगा, सही। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए प्लस सी इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, सही है। इस टू को मैंने राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर दिया जीरो से, तो वो जीरो ही हो गया, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पे अप्लाई कर देता हूँ कि इसको सी प्लस ए कह देता हूँ, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से भी सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए फार्मूला बन रहा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। अगर हम इस वेक्टर को सी ए वेक्टर कहें तो ए सी के बजाय अगर हम इसको सी ए वेक्टर कहें तो वो क्या बनेगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस सी बनेगा, सही है। तो यहां पर ए माइनस सी आ जाएगा, ए माइनस सी। तो यहीं से फिर हम उसको कह सकते हैं कि ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी का, तो जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो अब देखें इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं, और पहले जो हमने फाइंड की थी इसको इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं, सही है। तो इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर वन को अगर ऐड किया जाए तो क्या बनेगा, देखें सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये हम ऐड करते हैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, c
सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और ये वन प्लस दूसरी इक्वेशन क्या थी ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों इक्वेशन को ऐड किया, एडिंग वन एंड टू, दो इक्वेशन को ऐड किया तो ये बना, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं, सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। ये सी और ये सी स्क्वेयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बाकी बचेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं, दोबारा से इसको ओपन करते हैं। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ए माइनस बी के इज इक्वल टू जीरो। अब देखें यहां पर मैं दोनों साइड्स पे अगर टू से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, यहां पर भी टू हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू, इसको भी मैं टू से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। ए प्लस बी और ये साथ में आ गया ए माइनस बी डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू जीरो, सही है। अब देखें ये ए प्लस बी क्या चीज है, इनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है, सही है। तो ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर्स में के किसके बराबर है, ए प्लस बी वो हमें यहाँ पर कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। ए प्लस बी डिवाइड बाय टू जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ के बराबर है, बाकी ए प्लस बी जो है वो किसी के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। टू इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ एफ बन रहा है, लेकिन अब यहाँ से देखें हम इसको इस टू को इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ इसके नीचे, यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, आपने इस पार्ट में देखें तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू किसके बराबर है, पोजिशन वैक्टर ऑफ एफ के। तो पोजिशन वैक्टर ऑफ एफ जो है वो क्या चीज है, ओ एफ है, सही है, जो कि आप क्योंकि आप इधर भी देख सकते हैं कि ओ एफ इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये क्या है, ओ एफ वेक्टर है, ओ एफ वेक्टर डॉट ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या चीज है, यहाँ ऊपर हम देखते हैं कि ए माइनस बी कहाँ पर आ रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी जो है इसको अगर मैं ऑपोजिट कर सकता हूँ तो ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर उसको कहा जा सकता है, ठीक है, बी ए वेक्टर या ए बी वेक्टर। तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ए माइनस बी हो जाएगा। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के साथ इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओ एफ का डॉट प्रोडक्ट बी ए वेक्टर के साथ जो है वो जीरो आ रहा है, उसका क्या मतलब है कि ओ एफ जो है परपेंडिकुलर है बी ए वेक्टर के साथ, सही, या फिर ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी वेक्टर के साथ, ठीक है। तो यहां से हमने दो पहले लिए, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लिए और हमने फिर उनके रिजल्ट से हमने तीसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को प्रूव कर दिया, ठीक है, कि वो भी परपेंडिकुलर है ए बी के। तो इसका यही मतलब है कि वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पे लाए कर रहे हैं, सही है। तो यहां से हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या हैं, कंकरेंट हैं, ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं।